हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर पहले क्वेश्चन में LHS का पोर्शन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। इसे हम लिख सकते हैं 1/sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सेपरेट करके लिख देंगे 1 - cos θ 1 - cos θ, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे। नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos θ 1 + cos θ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos θ इंटू 1 + cos θ, ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वही हमारा RHS है। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन का LHS यदि हम देखें तो cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। नीचे LCM निकाल लेंगे, cos A इंटू 1 + sin A, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस, इसमें A प्लस भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, sin स्क्वायर A प्लस 1 + 2 sin A डिवाइडेड बाई cos A इंटू 1 + sin A। cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A जो है वो हो जाएगा 1, ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 + 2 sin A डिवाइडेड बाई cos A इंटू 1 + sin A। यदि हम ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 + sin A बचेगा, नीचे बचेगा cos A इंटू 1 + sin A, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 2/cos A, cos A ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 2 sec A, और यही हमारा RHS है। इस प्रकार से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन फिफ्थ के क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पर आते हैं, जिसके LHS में tan थीटा अपॉन 1 - cot θ प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan θ दिया हुआ है। इसमें हम सभी को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन 1 - 1/tan θ प्लस 1/tan θ 1 - tan θ। इसका LCM निकाल लेंगे, यहाँ tan थीटा, ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। ये 1 - tan θ को tan थीटा माइनस 1 लिखने के लिए यहाँ साइन चेंज कर देंगे, तो नीचे भी हमारा जो 1 - tan θ था वो बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। इसको चेंज करने के लिए प्लस को माइनस बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब नीचे से हम लोगों ने 1/tan θ - 1 को कॉमन निकाल लिया, ऊपर बच गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 1/tan θ। ये हो जाएगा हमारा 1/tan θ - 1। यहाँ से LCM आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा इंटू स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan क्यूब थीटा, 1 - 1 हो जाएगा 1, 1 को हम 1³ लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab + b² इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये a - b³ का जगह a - b इंटू a² प्लस ab और b² डिवाइडेड बाई tan थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरे को हम tan थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा हो जाता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 1। अब यहाँ से ये हमारा 1/cos θ sec थीटा, 1/sin θ cosec थीटा प्लस 1, और यही हमारा RHS होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट इसका LHS जो दिया हुआ है 1 + sec A / sec A,
सह के कुछ नहीं होता है, वो होता है वन अपॉन कॉस ही, ये भी हो जाएगा वन प्लस वन, सॉरी हो जाएगा वन अपॉन कॉस ही, इसका एलसीएम कॉस इंटू वन कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए अपॉन वन बाय कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन प्लस कॉस ए, इसको यदि हम रेशनलाइज कर देते वन माइनस कॉस ए वन माइनस कॉस ए, तो ये ऊपर जो वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए आ रहा है ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा वन माइनस कॉस ए, और यही हमारा आर एच एस होगा। चारों क्वेश्चंस हमारे इसमें आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, अगले इसमें बचे हुए क्वेश्चंस के लिए फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा ज़्यादा ज़्यादा।